एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर जो नचिकेता छात्रावास बॉयज हॉस्टल प्रारंभ किया गया था, पिछले एक साल से बंद पड़ा है। सत्र 2018-19 का वह सेशन समाप्त हो गया 30 अप्रैल को, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक सुध नहीं ले रहा है। ये धिक्कार की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। वीसी का मामला हाईकोर्ट के अंदर लंबित है, उसके बावजूद भी जो बाकी के अधिकारी और प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर विश्वविद्यालय के अंदर जितने हॉस्टल के अंदर इतने रूम हैं, छात्र वहाँ पर आसपास की कॉलोनियों में दुगना किराया देकर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा ये सुविधा जब छात्रों को दी गई है तो इसको बंद क्यों कर रखा है, हमारा प्रश्न ये है। विश्वविद्यालय प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, नए सत्र से जून से प्रवेश चालू होने वाले हैं विश्वविद्यालय के अंदर, इनको अभी तक कोई सुध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं ये चेतावनी देता हूँ कि नए सत्र से अगर विश्वविद्यालय का बॉयज हॉस्टल चालू नहीं किया गया तो पूरा छात्र, हर संगठन के लोग, पूरा छात्र संघ, हम मिलकर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय के गेट पर तालाबंदी की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी, क्योंकि छात्र हितों के साथ कुठाराघात विश्वविद्यालय का छात्र कभी सहन नहीं करेगा और ना ही हम लोग सहन करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में निचिकेता छात्रावास की हम मांग कर रहे हैं कि जो पिछले सत्र से बंद है छात्रावास, और जिसमें मतलब हॉस्टल में एडमिशन भी नहीं हुए और ना ही कोई सुविधाएं, रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, इस चक्कर में हॉस्टल बंद है। हम कई बार प्रशासन से मांग कर चुके हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं हम लोगों को इस चक्कर में, और ये पल्ला झाड़ देते हैं प्रशासन के लोग की वीसी का नाम ले लेके बार बार पल्ला झाड़ दिया जा रहा है। हमारी कोई भी मांगे पहले भी पूरी नहीं करी जा रही हैं, और अभी ये एक मांग है हमारी जो एक साल से चल रही है, और जो जिस के चलते छात्र परेशान हो रहे हैं, जिनको हॉस्टल में एक साल से रूम नहीं मिल पाए और इस बार नए एडमिशन भी शुरू हो गए हैं, तो आगे भी ये परेशानी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि हॉस्टल का कुछ अच्छा निर्णय लिया जाए जिससे हॉस्टल चालू हो। अजमेर ज़िले के सबसे बड़े विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पिछले दो सालों से एक सालों से बॉयज़ हॉस्टल चालू नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल जब भी हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन कह देता है कि हमारे पास वीसी नहीं है, अभी वीसी के पावर में है, कभी कोई कहे गवर्नर के पास फाइल भेजी, लेकिन कोई प्रशासन के अधिकारी सुध देने को तैयार नहीं है। बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने और यहाँ अच्छा वातावरण देखते हैं कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें मजबूरी में हॉस्टल से बाहर रूम किराए पर लेकर रहना पड़ता है। और हमारी तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि अगर इस सत्र में अगर बॉयज़ हॉस्टल चालू नहीं किया गया तो पूरे एनयूसी और पूरे छात्र एक साथ उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन में कुछ भी हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। भगवान सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। ये विश्वविद्यालय प्रशासन में नचिकेता छात्रावास है जो पिछले सत्र से बंद पड़ा है, एबीवीपी इसके लिए आंदोलन करेगी। हम इसकी मांग करते हैं कि छात्रों के लिए वापस से इसे पुनः प्रारंभ किया जाए, जिससे छात्रों को इधर उधर रूम लेके भटकना ना पड़े और वो अपनी पढ़ाई ढंग से कर पाएँ। आंदोलन की करेगी।